नमस्कार। आज हम रुवा सबके सामने ही विचार रखल चाहता नहीं कि हम पूरी में काहे बोलता नहीं, का वजह बा अचानक से भोजपुरी भाषा में जो अपन भाषा बा वो भाषा में बात रखे के उद्देश्य का बा, हम कैसन फील करता नहीं। तो सबसे पहले तो हम ये बताए कि हमारा बहुत अच्छा लगा था, फीलिंग अच्छा होता जब भी भोजपुरी में बात करते नहीं, एक तरह के हल्कापन महसूस होता, लगता कि अपना के अभिव्यक्त कलिए नहीं, अपना के व्यक्त कलिए नहीं। एक तो ये बात बा, दूसर का जो पॉइंट बा वही बा कि विचार के भाषा के साथ बहुत महीन और गहरा रिश्ता होला। ये चीज़ के हम पढ़ता नहीं टेक्स्ट में, और उस चीज़ के हम महसूस भी कर चाहता नहीं कि भाषा और विचार के बीच यानी ज्ञान और भाषा के बीच जो रिश्ता बा वो रिश्ता कैसन हो, एरा के हम निजी तौर पे महसूस कर चाहते हैं। और निजी तौर पे कोनो भी चीज जब तक वो काम खुद ना करब वो तो महसूस हो ही ना। अगर हम किसानी जिंदगी के बारे में हम निजी तौर पर अगर हम अनुभव प्राप्त कर चाहता नहीं तो हमरा तो खेत में उतरे के हुई, खाली किसान के बीच में चल जाई बातचीत करी वहू से काम ना हो, खुद खेत में जाए के हुई। वही तरी एगो मजदूर की जिंदगी के बारे में अगर हमरा कोनो अनुभव ले के बा, कोनो भी क्षेत्र के मजदूर हुई हैं तो वो क्षेत्र में हमरा खुद उतरे के पड़ी। भाषा के क्षेत्र में बहुत तरह के बात कही जला, खास करके मातृभाषा के संबंध में बहुत इमोशनल बातचीत होला। मातृभाषा माई के समान होले, माटी भाषा के एगो अलगे स्वाद होला, एगो अलगे बात होला। ये कुल तो हमनी के सुनबे करे नहीं जा, एक कुल बात में कोनो ऐसन बात भी नहीं के कि सच्चाई नहीं के, निश्चित रूप से ये अनुभव के विषय बा कि मातृभाषा माँ के दूध की तरह पवित्र होला, प्रिय होला, बहुत ऊर्जा वाला होला। लेकिन जन भाषा के जन व्यवहारिक पक्ष बा वो हमेशा ये बात से उलट जाला, मैंने अगेंस्ट में जाला या अलग तरीका से जो ओकर चित्र नजर आवेला। अगर ऐसा ना रही तो हमनी के सब केहू अंग्रेजी के प्रति, अंग्रेजी भाषा के प्रति इतना दौड़ ना लगती जा। जरा नहीं आवत हमरा अंग्रेजी ना बोले आवेला तो हमारा एगो मन में रहला ना, हमेशा रहला कि हम तनी अच्छा अंग्रेजी बोलती तो ठीक रही, हमार और संपर्क बढ़ित, हमार आय भी बढ़ित, हमार प्रतिष्ठा भी बढ़ित। जे जितना जानता वो चाहता कि तनी और हमार अंग्रेजी ठीक हो जाओ, कहीं जितना अच्छा अंग्रेजी बोलो उतना समाज में प्रतिष्ठा मिली, उतना पैसा मिली। जे खुद ना अंग्रेजी भाषा के अपना पाइल कोनो वजह से, गरीबी की वजह से या परिवेश की वजह से, वो अपना बच्चा के चाहता कि ओकर बच्चा अंग्रेजी भाषा के जानकार हो, खो अंग्रेजी के ओकरा पास उतना नॉलेज आ जाओ कि वो कुल नुकसान चुनौती से ओकरा ना सामना करे के पड़े जोना से कि वो खुद भइल बा। ऐसे देखी कि हमनी के पूरे देश में ही अंग्रेजी शिक्षा के नाम पर अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहल बा, और लगभग उहे स्कूल चलता, बाकी स्कूल जो चलता वो अब स्कूल नहीं खे रह गई। वो सरकारी योजना के तहत जैसे गरीबी मिटाओ गरीबी हटाओ टाइप की जो योजना होला वही तरी शिक्षा पर भी सरकार थोड़ा खर्च कर दिले कि केहू ही ना कही कि हमनी के शिक्षा पे खर्च नहीं किया करत।
लेकिन सरकार भी जानती है कि हम ओकरा के सुधार ना पाई सरकारी स्कूली शिक्षा के, और जनता के विश्वास भी अब बहाल ना हो पाई। ऐसे अब वो बात भी अब वैसन कुल मतलब उम्मीद राखल भी बेकार बा कि भाषा मातृभाषा जो देसी भाषा बा वो भाषा में शिक्षा की स्थिति बहुत बेहतर हुई। अब वो दिन तो नहीं खेल पद सरकार जैसे जैसे निजीकरण की तरफ बढ़त जा रहा बिया, अब कोरोना काल में तो और भी आर्थिक जो एगो संकट आयल गहराइल बा, वो में तो सरकार के पास खर्च करे के पैसा और भी कम हो जाए। शिक्षा और स्वास्थ्य पे तो पहले हूँ खर्च कम होत रहा, अब और कम हुई, काहे कि शिक्षा और स्वास्थ्य वोट के मुद्दा ना बन पावेला। हमनी के देश में आज़ादी के 70 साल बाद भी शिक्षा और स्वास्थ्य वोट के मुद्दा नहीं खे, आगे भी 20-25 साल बनी एकरा में मतलब बन सकता, यू एकरो कोनो उम्मीद नहीं खेला गया। खैर तो जोन मातृभाषा बा एकर महत्व कम नहीं खे, लेकिन व्यवहारिक जोन पक्ष बा भाषा के वो मातृभाषा की तरफ नहीं खेले जात केहू के भी, आ सच के सबके स्वीकार के। भोजपुरी हो को चाहे हिंदी ही काहे ना हो को, बांग्ला हो को, मराठी हो को, तेलुगु हो को, देश के जौन भी बड़ छोट भाषा बा 6000 के आसपास देश में भाषा आज की तारीख में बा, 6000 संख्या कम ना होला, 2000 के आसपास जौन भाषा बा तौन तो एक्टिव बा और ओकर संख्या अच्छा खासा बा। तो अभी कुल भाषण के भाषा जोन बाड़ी सही जो छोट छोट जोन भाषा तथा कथित जोन छोट भाषा का हालत, छोट भाषा मतलब जे कम दायरा में बोलल जाता ओकरा के छोट भाषा का है। लेकिन मान ली कि भोजपुरी अगर 20 करोड़ लोग के द्वारा बोलल जाता है, जिसे कहल जाला कि 10 करोड़ लोग बोलता रहे समझता रहे, कब कुछ आदमी 40 करोड़ तक कह देला कि भोजपुरी बोले समझला 40 करोड़ आदमी बाड़े, तो 40 करोड़ आदमी कोनो गाना सुन ली हलस या इंटरटेनमेंट में अगर कोनो गाना चल गई सुनता आदमी, तो वो दृष्टि से नहीं कि कह सकते 40 करोड़ आदमी भोजपुरी के कंज्यूम करता रहे भोजपुरी में जियता रहे। किचन लैंग्वेज होना, इंटरटेनमेंट लैंग्वेज होना, घर परिवार में आपस में बातचीत होना, हंसी मजाक होना, भाषा के असली ताकत ओ में नहीं है। भाषा के असली ताकत ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में वो भाषा के कितना दखल बा, अर्थव्यवस्था में वो भाषा के कितना दखल बा, वो दृष्टि से देखल जाला। अंग्रेजी ऐसे ताकतवर भाषा कहल जाले, एकर बोले वाला समझे वाला के संख्या बहुत ज़्यादा बा, वो तो ओकर एक पहलू बा, लेकिन एकरा में बाजार बा, एकरा में इनोवेशन बा, आविष्कार बा, ऐसे ही भाषा बड़ भाषा कहाले, ताकतवर भाषा कहाले। और आवे वाला समय में भाषा वैज्ञानिक लोग इहो कहता कि भाषा कहीं ऐसा ना होके कि दुनिया 50 साल बाद 100 साल बाद में दुनिया में एक ही दूगो भाषा रहे, एगो अंग्रेजी रहे या एगो हो सकता चाइनीज रहे, चाइना भाषा चीनी भाषा, बाकी सब भाषा ही में समा जाए, चाहे वो जर्मन ही कहे ना हो को, चाहे जापानी ही कहे ना हो को। खैर तो हम फिर हम बात पर लौटे तनि आज 10 मिनट के बातचीत करब, वीडियो छोट छोट ही ठीक बा। तो हम मातृभाषा में बात करते नहीं, ये अनुभव लिहल कि आप गहन विचार के मातृभाषा में व्यक्त कइल कतना कठिन बा अथवा कतना आसान बा, एक तो ई बा। दोसर रुआ सबके अनुभव से रिस्पॉन्स से हम यो जानल चाहब कि खुद रुआ सबके सुने में ये चीज कैसन लागता, जौन अपेक्षित जौन इंगेजमेंट बा जौन उ हो पावता कि नहीं हो पावत। हमार मकसद ये बा कि जौन नॉलेज बा जौन जौन हार्ड नॉलेज जौन कहाला, जौन क्रिटिकल नॉलेज कहाला, जौन डीप नॉलेज कहाला, वो विषय के हम अपना मातृभाषा में व्यक्त करे के कोशिश करी और वो लेवल पर पहुंच करके करी जहाँ से कि हमार एकदम सामान्य जौन बहिन बड़ी भौजाई बड़ी चाची बड़ी माई लोग बालोग
मतलब एह लेवल पे जहाँ शिक्षा व्यवहारिक शिक्षा कम बा उहो आदमी वो बात के समझ सके सहज रूप से समझ सके। काहे कि हम इस सिद्धांत पर एक तरह से अनुप्रयोग कर रहल बानी कि कोनो बात ऐसा नहीं खे जौन कोनो भाषा में कहल नहीं खे जा सकत, आ कोनो बात ऐसा नहीं खे जौन कोनो भी आदमी के द्वारा समझल नहीं खे जा सकत। यानी कठिन से कठिन बात सरल से सरल तरीका में कहल जा सकता और दुनिया के कोनो भाषा में समझावल जा सकता, अभिव्यक्त कइल जा सकता। पूरा कंप्यूटर थ्योरी रहुआ भोजपुरी में लिख सकता नहीं, बोल सकता नहीं, पढ़ा सकता नहीं, समझा सकता नहीं, हिंदी में कह सकता नहीं, मगही में कह सकता नहीं, मैथिली में कह सकता नहीं, कोनो एक भाषा के ना हम भोजपुरी भाषा हैं तो हम भोजपुरी भाषा के बोल बताओ तनी उकुल इमोशनल भाव प्रधान बातचीत करे के मतलब लिमिट रहे के चाहिए हमनी के सब आदमी के, थोड़ा सा वैज्ञानिक तार्किक होके के चाहिए। जौन अच्छाई आ कमी रहुआ भोजपुरी में बा वो ब्रज में भी बा, वो अवधि में भी बा, वो मगही में भी बा, वो मैथिली में भी बा, अंगिका में भी बा, राजस्थानी में भी बा। तो जब भाषा के हम बात कहतनी, लोक भाषा के हम बात कहतनी, मातृभाषा के हम बात करते हैं, तो एक तरह से हर उस भाषा के हम बात कर रहे बनी जौन भाषा कोनो ना कोनो वजह से जाने अनजाने उपेक्षित रह गई या दौड़ में उस अब बनल नहीं रह सकत। अभिरुचि भाषा संबंधी विषय पर हम आगे भी बातचीत करत रहब, अंतिम बात सिर्फ इतना बा कि मातृभाषा कोनो रिप्लेसमेंट नहीं है, कोनो विकल्प नहीं है, लेकिन भाव जगत खातिर, भाव जगत के संदर्भ में, इमोशन के संदर्भ में, बॉन्डनेस के संबंध में, लेकिन आर्थिक के नज़रिए से, अर्थ के नज़रिए से, विज्ञान के नज़रिए से, खोज के नज़रिए से हमनी के या केहू के भी वो भाषा के डोर पकड़ के पड़ला जौन भाषा सक्षम बा, ताकतवर बा। तो दोनों चीज के मतलब कि मातृभाषा भाव पक्ष वाली के अभिव्यक्त करे वाली भाषा भी साथ रहो और ज्ञान और अर्थ पक्ष के भी मजबूत करे वाली भाषा भी के भी हम साथ रही, हमनी के साथ रही, जब ई ए पर काम करे के जरूरत बा। यानी ना कहीं तो एगो पैर आंगन में रहो आ एगो पैर आसमान में रहो, एगो पैर आका एक या कहीं कि एक नज़र जमीन पर भी रहो, एक नज़र आसमान पर भी रहो, भोजपुरी पर भी जमीन रहो और अंग्रेजी के भी भाषा के ओकर ताकत के जानते हुए समझते हुए वो भाषा के ज्ञान अर्जित कर जाओ और अपना अगला जनरेशन के पीढ़ी के वगैरह के सही अंग्रेजी शिक्षा के ज्ञान भी दिहल जाओ। हिंदी वही में भाषा में रुआ समझी, हिंदी भी वही जगह पर बा। तो हमनी के संदर्भ में भोजपुरी, हिंदी, अंग्रेजी ये तीनों भाषा पहले नंबर पर आवे के चाहिए। बाकी जौना जी राज्य में बा वो राज्य के भाषा जानो, यानी कि चौथी भाषा भी। तो अतने 14 मिनट खत्म होए से पहले हम एक बंद कर चाहता नहीं रुआ सबके नमस्कार, और हम फिर यही तरी छोट वीडियो बनावत रह एक एगो टॉपिक पर वह बीच बीच में देखत रह, सब्सक्राइब भी कर दे ये कुल कहल जला कह दिला से ठीक रही और लाइक भी कह दे, घंटी भी बजा दे, घंटियों बाजेला। नमस्कार।